भारत के 8 भूतिया शहर। इस वीडियो में भारत के उन भूतिया शहरों के बारे में बताया गया है जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोरोना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। धनुषकोटी तमिलनाडु। प्रबंधीप के दक्षिण सिरे पर स्थित यह शहर 1964 में एक चक्रवात से तबाह हो गया था। 1964 में एक विनाशकारी चक्रवात के कारण शहर नष्ट हो गया और अब इसे एक भूतिया शहर माना जाता है। गुजरात में स्थित लखपत शहर। यह शहर एक समय एक समृद्ध शहर और व्यापार का केंद्र था। सदियों पहले वहां 15,000 लोग रहते थे। लखपत शहर ठीक पाकिस्तान के बॉर्डर के पास स्थित है। धीरे धीरे वहां अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी जिससे लोग परेशान होकर उस शहर को धीरे धीरे छोड़कर जाने लगे और वह एक तरह से पूरा वीरान शहर बन चुका था। राजद्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित यह द्वीप अंग्रेजों का प्रशासनिक मुख्यालय था, लेकिन 1945 से 46 के दौरान इसे छोड़ दिया गया था क्योंकि यह शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है और एक तूफान के कारण यह शहर पूरी तरह से तबाह हो गया और तभी से यह शहर को सुनसान और भूतिया कहा जाता है। फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। यह शहर 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की राजधानी था। देश के उत्तर पश्चिम में पानी की कमी और उथल पुथल को शहर के परित्याग का प्रमुख कारण माना जाता है। अकबर द्वारा शाही राजधानी को फतेहपुर सिकरी से लाहौर और फिर आगरा स्थानांतरित करने के बाद 1610 तक शहर को छोड़ दिया गया था और वहां का प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है। फतेहपुर सिकरी के लोकप्रिय उपनामों में भूतिया शहर और भूतिया शहर शामिल है। कुलधारा, राजस्थान। जैसलमेर के पास इस गांव में कभी बहुत से लोग रहते थे, लेकिन यह गांव रातों रात रहस्यमय तरीके से वीरान हो गया था। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधारा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया शहरों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पलीवाला ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी। उस समय सलीम सिंह, जो जैसलमेर के एक मंत्री हुआ करते थे, सलीम सिंह के अत्याचार से परेशान होकर कुलधारा गांव के लोग रात में ही गांव छोड़कर चले गए। गांव से जाते जाते ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया कि वहां कभी भी कोई व्यक्ति बस नहीं पाएगा, जिसके बाद से कुलधारा गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक पुराना समुद्र तटीय शहर पल्लव समाज की राजधानी था, लेकिन धीरे धीरे वीरान हो गया। दरअसल उस समय बहुत बड़ा तूफान आया था जिसकी वजह से वह शहर तबाह हो गया और रातों रात वीरान हो गया। तभी से उस शहर को भूतिया शहर कहा जाता है। मांडव, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित यह मुगलों के लिए एक प्रमुख किला था। उस समय इस किले में मुगल रहते थे और अभी के टाइम में इस किले में मुगल के भूत रहते हैं। कोडा। यह शहर हैदराबाद से थोड़ी दूर है। माना जाता है कि वह जगह है जहां लगभग 18 साल पहले एक संपन्न शहर बनने से पहले आचार्य नागार्जुन रहते थे। नागार्जुन कोडा कई महान बौद्ध और हिंदू मंदिरों के खंडहरों का घर है। यह भारत के सबसे समृद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है और अब यह लगभग पूरी तरह से नागार्जुन सागर बांध के नीचे डूबा हुआ है। इस स्थल पर कई बौद्ध विश्वविद्यालय और मठ स्थित थे। तो गाइस, अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको हॉरर स्टोरी सुनना और फिल्में देखना पसंद है। तो गाइस, आपने अभी तक कौन कौन सी हॉरर मूवी देखी है और आपके फेवरेट मूवी कौन सी है हॉरर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।